उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री विहार कैनाल रोड देहरादून में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें कि इस दौरान 24 जुलाई से कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने समय में बाबा केदार के लिए कोई काम नहीं किया, उनको इस यात्रा की जगह प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए, बाबा के सामने और उनके श्रद्धालुओं से क्षमा मांगनी चाहिए, वो स्वरूप बिगाड़ रहे हैं, वहीं चार धाम यात्रा को खराब कर रहे हैं, जिसके कारण से आने वाले समय में लोगों के अंदर गलत संदेश जाता है। देखिए 2013 में जब उत्तराखंड के अंदर बाबा केदार के प्रांगण और उसके आसपास बहुत भयंकर आपदा थी, भयंकर आपदा के समय में पूरा केदारनाथ और उसके आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और उस समय पर काफ़ी नुकसान हुआ था। और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उनके बनने के बाद केदार बाबा का नया स्वरूप पूरे देश दुनिया के सामने आया। नवनिर्माण का काम, पुनर्निर्माण का काम, केदार धाम को नए रूप में बनाए जाने का काम तेज गति से चला, एक चरणों में, दो चरणों में, तीन चरणों में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आकर गुफा के अंदर प्रवास किया, रात्रि को वहीं रहे, उन्होंने ध्यान लगाया और लगातार उसकी समीक्षा की, मॉनिटरिंग करी और नवनिर्माण के कार्यों का, अनेक जो कार्य हो रहे हैं वहां पर, चाहे वो सरस्वती पर बनने वाले सरस्वती घाट हों या पीछे की रिवर फ्रंट हो, ध्यान केंद्र हो, शंकराचार्य जी की समाधि हो, तीर्थ पुरोहितों के आवास हों, सब पर काम हो रहा है। रोप वे का भी शिलान्यास होकर उस पर भी काम आगे बढ़ रहा है। आज बाबा केदार पूरी दुनिया के अंदर भव्य रूप में और दिव्य रूप में पूरी दुनिया आज जान रही है। बाबा का जो स्वरूप है पूरी दुनिया में जा रहा है, जो हमारा ये धाम आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। और लगातार सालों में आने वाले जो बाबा के भक्त हैं पूरे देश दुनिया के, उनकी संख्या भी कई गुना बढ़ गई है। और ऐसे समय में जब कोई इनकी यात्रा निकलती है न्याय यात्रा के नाम से, वहां पर हमारे उत्तराखंड के कांग्रेस पार्टी के सभी नेता जाकर कहीं न कहीं उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के बारे में उसकी कमियां गिनाते हैं। कभी यात्रा चलती है तब कमियां गिनाते हैं। आज सारे देश दुनिया के इतनी बड़ी भक्त संख्या में आ रहे हैं और कांग्रेस ने अपने समय में बाबा केदार के लिए कोई काम नहीं किया, उनको ये यात्रा की जगह प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए और बाबा के सामने और देश दुनिया के श्रद्धालुओं के सामने जो लोग बाबा केदार पर गहरी आस्था रखते हैं उनसे क्षमा मांगनी चाहिए कि वो स्वरूप बिगाड़ रहे हैं, चारधाम यात्रा को खराब कर रहे हैं, जिसके कारण से आने वाले समय में लोगों के अंदर गलत मैसेज जाता है, गलत संदेश जाता है। राजनीति करने के बहुत सारे विषय हैं, ये राजनीति करने का विषय नहीं है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अग्निवीर योजना देश में आई थी और उस समय में मैं राज्य के हमारे बहुत सारे सैनिक अफसरों के साथ, सेना के लोगों के साथ, जवानों के साथ जो सेना में अपना पूरा जीवन लगाकर आए हैं, और मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ, साथ ही हमने पूरी बैठक करी थी। और बैठक करने के बाद 15 जून 2022 को मैंने तभी ट्वीट किया था कि पुलिस समेत जितने भी हमारे राज्य के अंदर काम करने वाले विभाग हैं, जिन जिन विभागों में भी हम जो देश सेवा करने के बाद अग्निवीर आएंगे उनको समायोजित करेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे और आरक्षण का प्रावधान करना होगा तो मंत्रिमंडल में हम निर्णय करके आरक्षण का भी प्रावधान करेंगे, और साथ में अगर कोई एक्ट वगैरह बनाना होगा तो हम विधानसभा में भी उसको लेकर जाएंगे।